नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। प्रसपा जिला अध्यक्ष ने कहा, राम मंदिर चंदे का पैसा कोरोना मरीजों पर खर्च हो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद याकूब खान ने कहा, राम मंदिर के नाम पर देश ने इकट्ठा किया हुआ चंदा देशवासियों की कोरोना जैसी महामारी बीमारी के इलाज पर खर्च करके उनका अच्छा करने पर चंदा खर्च करे सरकार। मोहम्मद याकूब खान ने आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की एक बैठक शमा मैरिज हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कहे कि प्रसपा जिला अध्यक्ष मोहम्मद याकूब खान ने कहा, जब देशवासी की नहीं रहेंगे तो मंदिरों में पूजा कौन करेगा, मस्जिदों में नमाज कौन पढ़ेगा और गुरुद्वारों में अरदास कौन करेगा और चर्च में बाइबल कौन पढ़ेगा और जैन मंदिर में भक्ति कौन करेगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष मोहम्मद याकूब खान ने आज तहसील बिलासपुर के एक मैरिज हॉल में बैठक की। इसमें काफी तादाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा उद्देश्य है कि प्रगतिशील समाजवादी लोहिया की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे जो आज हमने मीटिंग की है, हमारी मांग है कि जो राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया है अरबों खरबों रुपया, जिस तरह वक्फ में मज़ार हैं, मस्जिदें हैं, उनका भी चंदा इकट्ठा किया जाए और ये सारा चंदा इकट्ठा करने के बाद कोरोना जैसी लाचार महामारी से जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग ग्रस्त हैं, इनके इलाज के ऊपर, इन पीड़ितों के इलाज के ऊपर ये चंदा इकट्ठा किया जाए। ये चंदा जो है इकट्ठा किया हुआ जो है इनकी बीमारी के इलाज पर लगाया जाए। हमारी ये मांग है कि जब देश ही नहीं बचेगा, देश में करोड़ों लोग नहीं बचेंगे, तो फिर ये बाबरी मस्जिद में कौन पूजा करेगा, कौन अरदास गुरुद्वारे में करेगा, कौन चर्च में बाइबल पढ़ेगा और कौन जैन मंदिरों में जो है पाठ करेगा। हमारा कहना यह है कि इबादत और पूजा और अर्चना और पाठ तभी हो सकते हैं जब ये हिंदुस्तान बचे, मुल्क बचे, 140 करोड़ लोग बचे हैं। हमारी ये मांग है। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 जून को कानून की प्रतियां जलाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक अरदास में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार हमारी बात जरूर मानेगी और जब तक नहीं मानेगी तो हम लोग वहीं धरने पर बैठे रहेंगे। धरने पर जो हमारी कच्ची झोपड़ियां बनी हुई हैं उनको पक्का बनाएंगे, क्योंकि अभी धरना लंबा चलने वाला है और कुछ दिन बाद बारिश होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों को भाजपा का प्रवक्ता बताया है कि भाजपा के प्रवक्ता के रूप में या लोग काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा, 5 तारीख को कृषि कानून की प्रतियां भी जलाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज अचानक रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्हें बिलासपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेना था। बिलासपुर के माटखेड़ा में उन्होंने एक अरदास में भाग लिया और बाबा अनूप सिंह से आशीर्वाद भी लिया। और पिछले कुछ दिनों से काफी किसान कोयला टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हैं। राकेश टिकैत टोल पर किसानों के साथ कुछ देर धरने पर भी बैठे रहे। यहाँ रामपुर में तो यह है कि आज बिलासपुर में गए थे, वहाँ पे एक भोग था संत जी का, उसमें गए थे वहाँ और यहाँ पर आए और प्रोग्राम अगला ये है कि सरकार सुन नहीं रही। 22 जनवरी को आखिरी बातचीत सरकार से हुई, अभी कोई बातचीत दोबारा शुरू नहीं हुई और जब तक भारत सरकार बात नहीं करेगी जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कोई कड़े कदम उठाएंगे आप आंदोलन के दौरान? आंदोलन कड़े तो कदम है, दिल्ली को घेर रखे आप चारों तरफ से घेर रखे और आग कड़े भी उठाने पड़ेंगे तो उठाएंगे कड़े। आंदोलन जारी रहेगा, धरना देते रहेंगे और आगे इसको मूवमेंट को और ज्यादा बढ़ाएंगे। यूपी हो चाहे पूरा देश भर में ये मूवमेंट और ज्यादा बढ़ेगा और पूरे देश भर में आंदोलन होते हैं। जो भी संयुक्त मोर्चा कॉल करता है उस पर पूरे देश भर में उस पर काम होता है, उस पर मूवमेंट पे काम होता है। अब जिस दिन पर्तियां जलेंगी अभी 5 तारीख को कानून की, क्योंकि 1 साल हो जाएगा कानून बनने को, तो उसकी पर्तियां जलाएंगे सब लोग। कब जलाएंगे सर? 5 तारीख को।
सर, मीडिया को कहते हैं आपके सरकार की प्रवक्ता बन गई है, तो चैनल कौन से हैं, उनका नाम बताइए। अरे चैनल क्या बता भाई, कौन कौन से हैं, तो बहस बहुत चैनल हो गए हैं। उनके पक्के प्रवक्ता बन गए, बीजेपी की प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है। तो सर नाम बताइए ना। अरे नाम तो किस किस का नाम हुई तो कई है, जैसे एक तो कई दिन से लगी रहा वो एक आर भारत वाला है, एक वो है जी हिंदुस्तान, तो कई दिन से लग रहा। तो इनका भाजपा का प्रवक्ता मानते हैं? हाँ है प्रवक्ता, वो है चैनल उन्हीं के रहमो करम पे, कुछ मीडिया के वैसे है जो प्रिंट मीडिया है उसके भी प्रेस वाले भी है। अपना सही दिखाना चाहिए लोगों, लेकिन गलत किसी के बारे में आप। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।